अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, मकतब की तरफ से प्रेजेंट किए गए इन तमाम लेक्चर्स में हम सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बुक को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली तमाम 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक्स के टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ जहाँ हमें टॉपिक्स के दरमियान फर्क महसूस होगा, हम जरूर उससे आपको आगाह करेंगे। दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उसके बारे में मालूमात का होना निहायत ही जरूरी है। इसीलिए आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की फील्ड में कंप्यूटर साइंस और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। जब भी टेक्नोलॉजी का नाम लिया जाता है तो जो भी चीज हमारे जहन में सबसे पहले आती है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर हर जगह है, चाहे वो एजुकेशन हो, ऑफिसेस हो, मौसम का हाल जानना हो, या फिर सामाजिक जवाबित बढ़ाने हो, या फिर कोई रिसर्च करनी हो। अब कोई ऐसा इदारा नहीं है जो कंप्यूटर के बगैर काम करने का सोच भी सकता हो। तो दोस्तों, कंप्यूटर तो कैलकुलेशंस के लिए बनाने जाने वाली मशीन थी। तो जिन लोगों ने कंप्यूटर को बनाया था, क्या वो कैलकुलेशंस नहीं जानते थे? बिल्कुल जानते थे। तो फिर कंप्यूटर की जरूरत क्यों पेश आई? अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इन दो नंबर्स को आपस में प्लस करना है और फिर अलग अलग तरह के बड़े बड़े नंबर्स आपको देती रहूं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप गलती कर बैठेंगे। तो दोस्तों, इसीलिए एक ऐसी मशीन की जरूरत पेश आई जो कि बार बार की जाने वाली कैलकुलेशंस को बगैर गलती के परफॉर्म करे। यानी कंप्यूटर फास्ट कैलकुलेशंस के साथ साथ एरर फ्री कैलकुलेशंस के लिए बनाई जाने वाली मशीन है। तो दोस्तों, ये जो स्टेट ऑफ आर्ट कंप्यूटर के नाम से हमारे सामने मौजूद है, हमें पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई। सबसे पहले 3000 BC में मेसोपोटामियंस ने एबेकस बनाया, जो कि रॉड्स और बीड्स के जरिए एडिशन यानी जमा और मल्टीप्लिकेशन यानी जरब का काम करती थी। फिर नेपियर्स बॉन्स, जिन्होंने लॉगरिथम भी बनाया था, उन्होंने कुछ नंबरिंग रॉड्स बनाई जिनको उन्होंने बोन्स का नाम दिया। ये नंबरिंग रॉड्स 0 से 9 तक के डिजिट्स यानी 10 रॉड्स पर मुश्तमिल थे, और एक 11th रॉड बनाई जो कि एज अ मल्टीप्लायर काम करती थी, जिसके जरिए उन्होंने तकसीम और जरब का काम करवाया। फिर उसके बाद 1642 में फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल ने पास्कलाइन बनाया, जो कि व्हील्स पर मुश्तमिल था, और उन व्हील्स पर यूनिक नंबर्स लिखे हुए थे जिनकी मदद से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवाई जाती थी, और उसके साथ ये पास्कलाइन कैरी का काम भी करता था। फिर उसके बाद पास्कलाइन के कैलकुलेटर को ही लेकर के चल के 1672 में गॉडफ्राइड नामी एक साइंटिस्ट ने लैबनीज कैलकुलेटर बनाया, जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का काम करता था। वो मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करता था कि अगर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो वो 6 को 2 दफा प्लस कर देता था। तो इस तरीके से लैबनीज कैलकुलेटर काम करता था। तो दोस्तों, ये वो वक्त था जब हमें एक बेसिक कैलकुलेटर मिल गया था। अब हमें जरूरत थी एक ऐसी मशीन की जो हमारी इंफॉर्मेशन को सेव करे और हम उस इंफॉर्मेशन को निकाल भी सके। तो इसके लिए जोसेफ जैकवर्ड नामी एक आदमी ने कॉटन वीविंग प्रोसेस को पंच कार्ड के जरिए ऑटोमेट कराया। उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन को पंच कार्ड पर स्टोर और रिट्रीव करवाने का कॉन्सेप्ट दिया, और इसी के कॉन्सेप्ट को आगे 40 बैबेज ने लेकर चले, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। उन्होंने एक डिफरेंस इंजन बनाया। डिफरेंस इंजन बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अलावा पॉलिनोमियल फंक्शंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस और दूसरे मैथमेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करता था। फिर 1833 में उन्होंने एनालिटिकल इंजन का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि इनपुट, प्रोसेसर, मेमोरी और आउटपुट के कॉन्सेप्ट पर बेस करता था, और उन्हीं का ही ये कॉन्सेप्ट आगे चल के मॉडर्न कंप्यूटर बना। तो दोस्तों, ये थी कंप्यूटर की एक छोटी सी हिस्ट्री। आइए हम जानते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है।
जिस तरीके से हमें जूसर मशीन में से जूस निकालने के लिए उसे फल देने पड़ते हैं, जूसर मशीन उसको प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद जो भी जूस होता है वो हमें दे देती है। बिल्कुल इसी तरह माइक्रोवेव ओवन में हम ठंडा खाना रखते हैं और माइक्रोवेव ओवन शुआओं के जरिए उनको गर्म करता है और हमें रिजल्ट की फॉर्म में गर्म खाना दे देता है। और इसी तरह वॉशिंग मशीन गंदे कपड़े लेती है और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उन गंदे कपड़ों को साफ करके साफ कपड़े हमें फराहम करती है। तो दोस्तों, कंप्यूटर भी इसी तरीके से कुछ चीज इनपुट लेता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस के बाद आउटपुट हमें दे देता है। कंप्यूटर इन तमाम डिवाइसेस के जरिए, जिनको इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है, डाटा को इनपुट लेता है। इनपुट लेने के बाद वो डाटा सिस्टम यूनिट को दे देता है और सिस्टम यूनिट उस डाटा को प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको आउटपुट की फॉर्म में हमें दे देता है। कंप्यूटर चार किस्म के डाटा को इनपुट ले सकता है। वो नंबर्स को इनपुट लेता है, वो अल्फाजों को इनपुट लेता है, वो आवाज को इनपुट ले सकता है और वो तस्वीर को इनपुट ले सकता है। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि कंप्यूटर इंटरनली किस तरीके से काम करता है। अगर हम इन दो नंबर्स को कंप्यूटर की मदद से प्लस कराना चाहते हैं तो कंप्यूटर सबसे पहले इस कीबोर्ड के जरिए इन नंबर्स को कंप्यूटर को देगा। कंप्यूटर इन नंबर्स को स्टोरेज डिवाइस को दे देंगे, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। स्टोरेज डिवाइस उन नंबर्स को सिस्टम यूनिट को दे देगा, क्योंकि सिस्टम यूनिट प्रोसेसिंग करता है। तो कंप्यूटर सिस्टम यूनिट इन दोनों नंबर्स को आपस में प्लस करेगा और प्लस करने के बाद जो भी आउटपुट देगा वो एक स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। तो दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट काम, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सिस्टम यूनिट है, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। सिस्टम यूनिट में एक छोटी सी चिप नुमा चीज होती है, जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इसको मास्टर चिप भी कहा जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करती है। ये मास्टर चिप कुछ सर्किट्स पर मुश्तमिल होती है, जिनमें से कुछ सर्किट्स मैथमेटिकल लॉजिक्स को परफॉर्म करते हैं और कुछ सर्किट इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करते हैं। और सीपीयू का सबसे बड़ा मैजिक ये है कि किस वक्त कौन से सर्किट को कहाँ यूज करना है। तो दोस्तों, कंप्यूटर फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन तो है, मगर वो तमाम डिवाइसेस जो कि इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के मॉडल पर काम करती हैं, वो भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस कहलाती हैं। दोस्तों, आइए हम कंप्यूटर को मजीद डिटेल में पढ़ते हैं। जिस तरह इंसानी जिस्म मुश्तमिल होता है दो चीजों पर, उसके फिजिकल पार्ट्स यानी आजा पर, जिनको हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, और दूसरी चीज उसके अंदर मौजूद सोल यानी रूह, जिसको ना हम छू सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जब हम झांकते हैं तो हमें नजर आते हैं सर्किट्स, वायर्स, चिप्स, प्लग्स, साउंड कार्ड्स, कीबोर्ड। ये क्या है? दीज आर हार्डवेयर्स, यानी वो तमाम कंपोनेंट्स जो कि मादी वजूद रखते हों और जिनको हम छू सकते हैं। और कंप्यूटर के अंदर वो क्या चीज है जिसको हम देख नहीं सकते? दीज आर सॉफ्टवेयर्स, यानी वो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स, कोड्स जो कि कंप्यूटर को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, वो कोई डिजिटल क्लॉक हो सकती है, वो कैलकुलेटर भी हो सकता है और कैलेंडर भी हो सकता है, वो कोई वर्ड प्रोसेसर या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, वो कोई गेम भी हो सकता है, और वो कोई वेबसाइट भी हो सकती है, जैसे कि गूगल, याहू, फेसबुक। तो दोस्तों, ये तमाम सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से हार्डवेयर के साथ मिलकर काम करते हैं, आइए हम इसको समझते हैं। दोस्तों, अगर मैं एक सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए सॉन्ग्स भी सुनना चाहती हूँ, मैं वेब ब्राउजिंग भी करना चाहती हूँ और मैं चैटिंग भी करना चाहती हूँ एक ही वक्त में, तो कंप्यूटर किस तरीके से ये तमाम काम करता है? जिस तरह माइक्रो प्रोसेसर को मास्टर चिप कहा जाता है, जो कि कंट्रोल करती है कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को, बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर के अंदर एक मास्टर प्रोग्राम होता है, यानी मास्टर सॉफ्टवेयर होता है, जो कि कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर्स को। ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को बताता है कि किस वक्त कौन सा सॉफ्टवेयर चलेगा
और किस वक्त कौन सा सॉफ्टवेयर रुक जाएगा। तो अगर मैं इन तमाम सॉफ्टवेयर्स को एक साथ चलाना चाहती हूँ तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो अदा करेगा वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। और सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से हार्डवेयर को यूज करेगा। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर सबसे पहले प्लान किए जाते हैं, फिर उनको एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के जरिए डिजाइन करते हैं, फिर उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जरिए डेवलप करते हैं, और जहां उन सॉफ्टवेयर्स को इम्प्लीमेंट करना होता है, यानी अगर हमें साउंड के लिए कोई एप्लीकेशन बनानी है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसे हम साउंड कंपनी में इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर किसी ऑफिस के लिए बनाना है तो उसे हम ऑफिसेज में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इन तमाम सॉफ्टवेयर्स को पढ़ना और इसकी स्टडी को कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि किस तरीके से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर कोई भी काम करेंगे, इसकी स्टडी को कंप्यूटर साइंस कहते हैं। तो दोस्तों, अगले लेक्चर में हम जानेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और उन तमाम टेक्नोलॉजीज को जो कि आज के जमाने में यूज की जा रही हैं।